में कुछ नहीं हो सकता है, कश्मीर में वही होगा जो भारत की संसद चाहेगी। और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और इस ठर्रे को समझाने के लिए एक बात बता देते हैं कि भारत में पूरी दुनिया के 10% मुस्लिम रहते हैं और बहुत खुशहाल ढंग से रहते हैं। भारत में 14% मुस्लिम रहते हैं, जो संख्या में देखेंगे तो लगभग 20 करोड़ हो जाते हैं। इसके यहाँ 21 करोड़ मुस्लिम रहते हैं और भारत में 20 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। हद बेवकूफी देखिए, दुनिया का ऐसा कोई पागल देश नहीं होगा जो अपने देश की जनसंख्या के बराबर किसी दूसरे देश की जनसंख्या का बोझ लेके हम भी इनका ख्याल रखेंगे। तुम क्या ख्याल रखोगे रे बैल कहीं का। भारत में इन लोग का कहना है कि मुस्लिम माइनॉरिटी में, तो भैया यहाँ पे जैन माइनॉरिटी है, बौद्ध माइनॉरिटी है, ईसाई है, सब बहुत माइनॉरिटी के हैं यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आता है। जबकि अगर आप देखिएगा इन रियलिटी तो इस्लाम सेकेंड मेजोरिटी भी है। आप माइनॉरिटी कह सकते हैं कि ज्यादातर राज्यों में माइनॉरिटी है, तो पूर्वोत्तर में हिंदू धर्म भी वहां पे क्या चीज है, माइनॉरिटी है, बट वो सेकेंड मेजोरिटी भी है साथ साथ है। इसको क्या जरूरत है हम लोग के मैटर में इंटरफेयर करने की। हमारे यहाँ ऑलरेडी जो जहां है वो भी कोई बिजनेस में है, कोई जॉब में है, सब अपने जगह पे सेटल है। ये ससुरा जानबूझ के इंटरफेयर करता है हम लोग के मैटर में। ये कहेगा कि कश्मीर में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान के मुसलमानों का हाल देखिए, ये सिया सुन्नी के मस्जिद में बवाल हो जाता है, वहां बम फोड़ देगा, वो उसको बम फोड़ देगा। तो ये मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है, यहाँ बम फोड़ दिया जाता है और आए दिन आपको महीने में एक दो फ्राइडे के दिन कहीं ना कहीं बम फोड़िए देगा। भारत में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिया का भी मस्जिद है, अले हदीस बरेलवी सुन्नी 75 कैटेगरी की मस्जिद है, जिसका जिसमें मन जाओ कोई किसी दूसरे में बम नहीं फोड़ता है। ये हमारे देश की संस्कृति है। और ये वो लोग कहते हैं कि जिनके यहाँ सुरक्षित है मस्जिद यहाँ पर। देखिए इस बच्चे को क्या दोष है, इस छोटे से बच्चे पर बड़ा दया आती है। ये बेचारा गया होगा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आराम से खुशी खुशी। इस बेचारे की बस यही गलती है कि ये पाकिस्तान में जन्म ले लिया, जहां मुसलमान लोग की ये हाल है कि मस्जिद में छोटे छोटे बच्चों का बम फोड़ दिया जा रहा है। ये भाई साहब मस्जिद में कपड़े में खून से लदा हुआ ये कपड़ा है लेके अपने रिश्तेदार को खोज रहे हैं कि भाई नमाज पढ़ने आए थे यहाँ पर। और ये लोग भारत में बताएंगे कि मुस्लिम सुरक्षित है या नहीं है। ये अपने इनके देश में देखिएगा तो हजारा मुस्लिम होते हैं जिनको ये कहते हैं कि इनकी आंखें छोटी छोटी होती है, चाइनीज की तरह दिखते हैं, ये मुसलमान नहीं। अरे यार किसी का नाक नक्शा अगर क्लाइमेट के वजह से कुछ है नहीं, मान के चलिए आपसे अलग दिखता है, तो आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि आप फटाक से कहते हैं फलाना मुस्लिम है फलाना नहीं। हजारा मुसलमानों को ये लोग लाइन से खड़ा करके गोली मार देते हैं, जेनोसाइड जहां तहां होता है। और उस पे ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 57 देश एकदम चुप रहते हैं। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को घर में खींच के मार दिया जाता है, बलोचों को हेलीकॉप्टर से गोली चला के मार दिया जाता है, वहां इन लोग को मध्यस्थता करना नहीं दिखता है। और भारत में सब लोग शांति से जी रहे हैं भाई, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब से हर इंसान मिलते जुलता रहता है। हाँ जहाँ लोग रहते हैं कुछ आपसी छोटे मोटे विवाद भी होते हैं, तो आपस में जहां रहता है वहां लोग होता ही, तो हम लोग अपने में सॉल्व कर भी लेते हैं यहाँ पर। लेकिन ये लोग एंट्री करेंगे यहाँ पर, इनको लगता है बताइए, ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ये धार्मिक देश है, खुद जरा मेंटेलिटी देखिए, ये धार्मिक संगठन उस देश पर उंगली उठा रहा है जो देश सेकुलर है। हमारे देश में कोई जैन बौद्ध ईसाई इस सबसे कोई दिक्कत नहीं होता है। एक इंटरनेशनल सर्वे में बताया गया था, मेनली भारत में तो सबसे बड़ी मेजोरिटी हिंदू है, सेकेंड मेजोरिटी मुस्लिम है। तो इसमें क्या हुआ था, एक सर्वे में बताया गया था कि 91% हिंदू लोग का ये बिलीव है कि कोई भी दिक्कत नहीं है हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर, और 89% मुसलमानों का भी कहना है कि कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। जो रियलिटी है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, दो चार तो नेतागिरी के चक्कर में इधर उधर हो जाता है, कोई यहाँ भारत में दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत में भी कुछ लोग का कहना है दिक्कत है। तो भैया भारत जैसे देश में अगर किसी को खराब लग रहा है, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि क्योंकि अगर भारत में नहीं बस सके तो भैया तुम तो अंटार्कटिका में जाके ट्राई करो, वहां पर कहीं अच्छा लगे, वहां पर कोई नहीं रहता है। यहाँ पे भारत में लोगों को तकलीफ रही है, वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग दुनिया को मतलब शत्रु को भी हम लोग इज्जत के नजर से देखते हैं। राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, तो उनको भी हम लोगों ने आचार्य की उपाधि दिया था। चाइना के सिंजियांग प्रांत में वीगर मुसलमानों को जानवर से भी नीचे रखा जाता है। वहां की मुस्लिम महिलाएं अगर घुटना से नीचे कपड़ा पहन लेती हैं तो सड़क पर उनके कपड़े को उनके बच्चों के सामने नंगा करके काट देता है। यहाँ पर मौलवी लोग अगर दाढ़ी रख लेते हैं तो उन्हें डांस करके नाचना पड़ता है, ऐसे ऐसे नहीं तो क्लीन शेव में ऐसे दाढ़ी में रखिए ऐसे आपको रखना है। तो वहां आपको कुरान का एक फिक्स हिस्सा ही पढ़ने दिया जाता है, 300 पारा नहीं पढ़ने दिया जाता, लेकिन आपको गारंटी कहते हैं ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जो कंट्री है ये कभी भी इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि इनकी भी एक मजबूरी है। देखिए जिस तरह से हिटलर ने 1938 में यहूदियों को कटवा दिया पूरी तरह से, सेम उसी तरह से उसी फॉर्मूला पर उसी तरह से डिटेंशन कैंप बनाया है, उसी तरह से यातनाएं देता है,
सी जिनपिंग। फर्क यह है कि सी जिनपिंग के सिंजियांग प्रांत में मुसलमानों को कचर देता है, वीगर मुसलमानों को, और हिटलर जो है वो जर्मनी में यहूदियों को ऐसे डिटेंशन कैंप में मार देता था। यहाँ पर वो 1938 में चालू किया था, ये 2018 से ये कैंप चालू किया है, पूरी दुनिया को पता। ये कहता है कि हम इन्हें सुधार रहे हैं, सुधारता नहीं है, ऑनलाइन बेचे खरीदे जाते हैं यहाँ के लड़कियां लोग को, लड़कों को कोई ले जा सकता है यहाँ पर, ये हाल करके रख दिया। लेकिन ये लोग आवाज इसलिए नहीं उठाते हैं कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन देशों को पता है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस एक ही साइड में रहेगा, वो लोग इंटेलेक्चुअल सोचते हैं, रूस इन लोग के साथ आएगा नहीं, तो इनका अपना यूएनओ में कोई पकड़ नहीं है, दुनिया में इनका कोई बहुत बड़ा न टेक्नोलॉजी में है न एजुकेशन में, कहीं पे इनका कोई रोल नहीं है, तो चाइना ही इन्हें यूएनओ में बचाता है। तो ये चाइना के एकदम जी है जी, हाँ हाँ सी जिनपिंग साहब, सी जिनपिंग साहब, ये कचर के थूरते रहता है, इनकी इज्जत लूट लिया, इन लोग को थूर धर दिया, लेकिन ये लोग उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं। जांच किसके खिलाफ करेंगे? भारत के खिलाफ, जहां किसी को इस तरह का कोई तकलीफ नहीं होता है। सीरिया का क्या हाल हो गया बताइए, ये मासूम बच्चे, 2 महीना 3 महीने के बच्चे, इनके ऊपर बम गिर रहा है। देखिए ये हम लोग बचपन में पेड़ पे ऐसे बैठ के झूला खेलते थे, ये टैंक पे बैठ के झूला खेल रहा है बेचारा, ये बच्चे का भविष्य है। और ये लोग कहते हैं कि हम लोग साथ देंगे, भैया आप लोग साथ मत दीजिए, आप लोग का साथ देना बहुत घातक हो जाता है। एक और इनका साथ देखिए, फिलिस्तीन पर जब इजराइल बम मारता है तो सारे लोग आ जाते हैं, इधर से अर्दोगान कहेगा, इधर से पाकिस्तान कहेगा, इजराइल को मार देंगे, बम मार देंगे, मिसाइल मार देंगे, परमाणु बम मार देंगे, भाला मार देंगे, तोप मार देंगे, कुछ भी। जब सीज फायर हो जाएगा, सीज फायर हो गया, चलो चलो अपने घर चलो, फिर पिटाएगा फिलिस्तीन तो फिर आ जाएगा यहाँ पर। अभी बताओ जो लोग जो लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे थे लोग, अभी कहाँ गए लोग? ये सब निकलेंगे, सब बरसाती मेंढक की तरह, फिर इजराइल मारेगा बम और फिर मारेगा, क्योंकि 2014 में इजराइल ने कहा था कि हम फिलिस्तीन को 500 साल पीछे ढकेल देंगे, और वो हमेशा मारता है 50-50 साल पीछे ढकेल, जब भी वहां कोई स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री बनती है बम मार के उड़ा देता है बिल्डिंग वगैरह। ये लोग फिर उठेंगे, कोई स्टेप लिया इन लोगों ने नहीं, ये अपने देश के चुनाव से बोलता है कि भारत के मुस्लिम इसके साथ है। अरे ससुराल जूता से मारा जाएगा तेरा को समझ में नहीं आता, इसको लगता है दो चार को इसको टेलर दिखाना पड़ेगा, चलिए इसको दिखाते हैं हम लोग यहाँ पे। देख भाई 1947 में जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने कहा कि जिस राज्य को पाकिस्तान के साथ मिलना है या जिसे भारत के साथ मिलना है मिल जाए, स्वतंत्र रहना है तो रह जाए। तो कश्मीर कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे राजा हरि सिंह, तो पाकिस्तानी आतंकवादी वहां घुस गए, तो ये राजा हरि सिंह की गलती थी, वो नेहरू के पास भागे भागे आए कि हमारी मदद के लिए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि पहले साइन कीजिए, भारत में मिलेंगे तब मदद करेंगे, तब बोला गया। तब ब्रिगेडियर उस्मानी अपनी फौज लेके पहुंचे थे और ब्रिगेडियर उस्मानी ने 900 पाकिस्तानियों को भारत की पहली लड़ाई, जैसे जैसे देश आजाद हुआ ना, सुता दिए उनको कब्र में, वहीं पे बैठा के रख दिया यहाँ पर। और याद आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जहां पर ब्रिगेडियर उस्मानी को भेजा गया, ये अपनी पलटन लेके जब वहां पहुंचे, तो आज भी जगह वो हमला लिए लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया है, वहां से एक कदम पाकिस्तानी आगे नहीं बढ़ पाए। वो नेहरू की गलती थी जो इस मुद्दे को लेकर चले गए यूएनओ में, अगर भारत के फौज को दिए रहते ना, तो ये भारत के जो फौज है इनके दमाद लोग, ये उसी समय पूरा कश्मीर निपटा लिए रहते लोग। यकीन मानिए अगर उस समय ये मामला यूएन में ना गया रहता और भारतीय फौज के पास रहती, तो पाकिस्तान आज कहता इस्लामाबाद मेरा है, अभी कैसे कहता है कश्मीर मेरा है, वो इस्लामाबाद के लिए चिल्लाता, क्योंकि इन लोग के आगे नहीं टिक पाता। एक और देखिए, इस ससुरा कहता है यहाँ पर क्या क्या, वीर अब्दुल हमीद 65 की लड़ाई में ये चट्टा कहीं क्या, ये अमेरिका से पैटर्न टैंक लाया था, 7 पैटर्न टैंक, और इस टैंक की खासियत थी कि इसे कोई मार के गिरा नहीं सकता है। वीर अब्दुल हमीद के पास ये जीप वाला गन था, इससे मारना मुश्किल था, इन्होंने 7 टैंक को मार के गिरा दिया। अमेरिका में रिसर्च टीम बैठी कि मारा कैसे रे भाई साहब इसको यहाँ पर, और इसको ये बदनाम करता है भारत के मुसलमानों को, कहता है कि हम तुम्हारे साथ है, भाई हम लोग थूर देंगे लोग तुम लोग ना बढ़िया से कि इलाज ना मिलेगा कहीं। इसको एक और एग्जांपल के देख भाई, फटा जूता वाला देखे आपको बता दे, ये अब्दुल कलाम साहब, अब्दुल कलाम साहब ने ये जो अग्नि पाइप बनाया ना, ये परमानेंट तुम्हारे बवासीर का इलाज है, ये एकदम यहाँ पे फटे मार के फाड़ देगा, पूरा लाहौर उड़ जाएगा। देखिए भारत की विदेश नीति बिल्कुल स्ट्रांग है, इसको कुछ अता पता है नहीं, इसके यहाँ पे अभी तालिबान वाले ने बम फोड़ दिया, तो जो पाकिस्तान में तालिबान है उसको ये कहता है कि ये गलत आतंकवादी है, और जो अफगानिस्तान में तालिबान है उसको ये कहता है कि वो सही आदमी है। अब तालिबान वाले का क्या मैटर चल रहा है उसको भी समझा देंगे। आई होप आप ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो था OIC की मीटिंग वगैरह, उससे कोई तो फर्क नहीं पड़ा, हालांकि वो वहां के ज्यादातर कंट्रीज कश्मीर इशू में इंटरफेयर होना नहीं चाहते हैं। बाकी भाई साहब तुम भारत के यहाँ देखना छोड़ दो, तुम्हारा अपना परमाणु बम है क्या है अपने पास रखो, आइए जूता सिलवा लो, नहीं दिक्कत है तो फिर अपना पेटीएम उटीएम नंबर दो, हम भेज देंगे जूता सिलवा लेना, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद, ठीक है।